एक तरफ सरकार माताओं को स्वास्थ्य एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही, मगर रायसेन जिले के मडदेवरा गांव में ना ही माताओं का ना ही बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी नहीं है आपके? हमारे इधर आंगनबाड़ी नहीं है। तो अभी आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, या खेत पे लेके जाती हैं उनको, या कैसे इनको संभालती हैं? अभी तो हम बच्चों को साथ में ले जाते हैं, खेत पे ले जाते हैं, खेत पे ले जाते हैं। अगर इधर घर रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होती है और कोई देख रेख को भी नहीं है, अकेले ही हैं हम दोनों। आपके कितनी माँ हैं? दो है, तीसरी। दो कितने दिन है आपके? 8 महीने है। टीकाकरण हुआ है? ना, आपकी बार नहीं, नहीं हुआ। और जे दो की बार हुआ था? हाँ, एक की बार हुआ, बीच वाली की नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो जब टीकाकरण नहीं होते तो फिर कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कत पेट में भी दर्द काफी ज्यादा और हाथ पांव भी दुखाते हैं। अबे भी दुखाते हैं? हाँ, कमर दुखाते हैं। तो आपकी पंचायत वाली नहीं सुनती? पंचायत वाले सुनते ही नहीं है, अगर सुन ले तो आंगनबाड़ी खुल जाता, हम लोगों को लाभ मिलेगी, सबको, बच्चे भी आंगनबाड़ी में बैठेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि मैं भी तो एक महिला हूँ और मैं समझती हूँ कि महिला और बच्चों का टीकाकरण ना हो तो क्या परेशानी होती है। इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्चना वाजपेयी, जिनका मोबाइल नंबर 8871125145 पर कॉल कर दबाव बनाए खुले। मैं संगीता, ग्राम मडदेवरा, विकास खंड बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।